Good morning, children. Once again, I'm Monica Ratnu from Leal Public School. How are you all? Hope you all are good at home. So, children, कैसे चल रही है आपकी online classes? अच्छी चल रही होगी, है ना? आप सब अच्छे से देख रहे हैं, अच्छे से manage कर रहे हैं classes को. कुछ बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, कुछ बच्चों का वर्क प्लेट नहीं आ पा रहा है. सो वो भी कोशिश करें करने की, अच्छे से इसे सीखने की. हर एक चैप्टर हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, हर एक चीज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो थोड़ा सा कोऑपरेशन हमें पेरेंट्स का भी इसमें चाहिए. ओके चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड चैप्टर ऑफ मैथ्स व्हिच इज एडिशन ऑफ 10. आज मैथ्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, एडिशन ऑफ 10. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज एडिशन. नाउ लेट अस लर्न एडिशन. एडिशन मीन्स टू पुट थिंग्स टूगेदर. एडिशन मीन्स क्या होता है? चीजों को एक साथ रखना. एडिशन मीन्स कंबाइनिंग, एडिशन मीन्स जॉइनिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यस, काउंट एंड एड. हमें क्या करना है यहाँ पे? हमें काउंट करना है और उनको एक साथ में एड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट रिमेम्बर डैश साइन. ये जो साइन है ना, प्लस का जो साइन है, means to put together or add. इसका means क्या होता है? एक साथ रखना और add करना. It is read as plus. और इसको किस रूप में पढ़ते हैं हम? Yes, ये जाना जाता है plus के नाम से. Okay? So as we can see in this picture, yes, we can see two hands, right hand and left hand. In right hand, yes, we have five fingers. In second hand, we have four fingers for count. हमें क्या करना है? Right hand की five fingers and left hand की four fingers को लेना है, जैसा हम picture में देख पा रहे हैं, और उनको एक साथ count करना है. So let's start. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. So here we mention number 5. And in second hand, yes, we count them 1, 2, 3, and 4. Yes, how many fingers? Yes, 4 fingers. So here we mention 4. Now count them both. Inko ek saath count karna hai. So let's start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So how many total fingers? Yes, total fingers are 9. So here we mention 9. So 5 plus 4 is equal to 9. इसको हमने fingers की help से किया है. आप इन additions को fingers की help से कर सकते हो, lines की help से भी कर सकते हो. Okay children? Now second number. Yes, in first picture we see a basket contain some apples. इसके अंदर कुछ apples है. How many apples? Yes, count them first. First 1, 2, 3, and 4. कितने apples है इसमें? How many apples? Yes, 4 apples. So here we mention 4, and here are only 1 apple. So here we mention 1. So 4 plus 1. So next basket में हमें क्या दिख रहे हैं? इन दोनों को combine में एक साथ रख दिया गया है, इनको count करके. So हम इनको count करेंगे 1, 2, 3, 4, and 5. Answer will be 5. Means 4 plus 1 is equal to 5. Got it? समझ आया आपको कि what is addition? Addition क्या है? इन दोनों को हमने join कर दिया है, combine कर दिया है, और इनका जो combine number है वो हमने यहाँ mention करा है. इसी तरह से apples को हमने combine count किया है. इधर हमें 4 apples दी गई है, इधर हमें 1 apple दी गई है. इन दोनों को हमने combine कर दिया है, मतलब join कर दिया है. Okay? एक साथ काउंट करा इनको, दोनों को मिला के हमने. जब हमने एक साथ काउंट करा तो हमारा आंसर आया यहाँ पे 5. ओके, यही होता है प्लस, और इसी को बोलते हैं एडिशन. ओके, नाउ गो अहेड. आवर सेकंड एक्सरसाइज विल बी ऐड द नंबर्स. हमें यहाँ नंबर्स को ऐड करने के लिए एक नंबर लाइन दी गई है. वी हैव अ नंबर लाइन. ओके, इस नंबर लाइन पे हमें क्या करना है? जो नंबर्स हमें ऐड करने हैं, जैसे 5 plus 4. अब इन 5 plus 4 को हमें नंबर लाइन के ऊपर काउंट करना है या ऐड करना है एक साथ में. सो इट्स वेरी सिंपल. देखो, जैसे 5 से
फाइव एंड फोर को हमें काउंट करना है. तो नंबर लाइन में हम कहां से स्टार्ट करेंगे? हम डायरेक्ट फाइव से स्टार्ट करेंगे. यस, हियर इज फाइव. फाइव से स्टार्ट करना है और हमें कहां चलना है? हमें फोर स्टेप आगे चलना है. फर्स्ट नंबर है हमारे पास फाइव, तो हम स्टार्ट किससे करेंगे? वी स्टार्ट विल ऑन नंबर फाइव एंड वी वॉक फोर स्टेप ओनली. हम सिर्फ चार कदम चलेंगे, फोर स्टेप चलेंगे, बिकॉज हमें क्या करना है, इसमें फोर को ऐड करना है. तो हमें कितने स्टेप चलना है? हमें फोर स्टेप चलना है. सो लेट्स स्टार्ट. वन, यस, फर्स्ट स्टेप. टू, सेकंड स्टेप. थ्री, थर्ड स्टेप. एंड फोर, लास्ट स्टेप. हम कहां पहुंचे? हम पहुंचे हैं नंबर नाइन पे. सो ये ही हमारा आंसर है, बिकॉज फोर प्लस सॉरी फाइव प्लस फोर इज इक्वल टू नाइन. ये हमने नंबर लाइन पे इनको ऐड किया है. ऐड द नंबर्स ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन पे इनको ऐड किया है. जो नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है, हमें वहां से स्टार्ट करना है नंबर लाइन पे. और सेकंड नंबर जो हमें दे रखा है, उतने स्टेप हमें आगे बढ़ना है. सो ऑटोमेटिक हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा. वी गेट अवर आंसर. ओके, यस. सेकंड इज फोर प्लस थ्री. तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? हमारा फर्स्ट नंबर है फोर. तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे नंबर लाइन पे? फोर से स्टार्ट करेंगे. और कितने स्टेप चलना है हमें? हाउ मेनी स्टेप वी रन? यस, वी वॉक थ्री स्टेप ओनली. हमें सिर्फ थ्री स्टेप चलना है. तो फोर से आगे हम थ्री स्टेप चलेंगे. वन, फर्स्ट स्टेप. टू, सेकेंड स्टेप. एंड थ्री. हम कहां पहुंचे? हम पहुंचे नंबर सेवन पे. सो इट इज आवर आंसर. सेवन इज आवर आंसर. फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवन. गॉट इट? जो नंबर वन फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है, वहां से हमें स्टार्ट करना है नंबर लाइन पे. और जो सेकेंड नंबर हमें दे रखा है, उतने स्टेप चल रहे हैं हमें. क्लियर चिल्ड्रन? नाउ थर्ड इज, यस, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड. गॉट इट? Now go ahead. Yes, third is 9 plus 1. So tell me, हमें कहां से स्टार्ट करना है नंबर लाइन पे? हमारा फर्स्ट नंबर क्या है? हमारा फर्स्ट नंबर है 9. ओके, नंबर थ्री लाइन, नंबर लाइन, यस, कहां से स्टार्ट करेंगे हम? हमारा फर्स्ट नंबर है 9. सो हम नंबर लाइन पे कहां जाएंगे? डायरेक्ट जाएंगे 9 पे, बिकॉज हमें 9 से ही स्टार्ट करना है. और कितने स्टेप चलने हैं हमें आगे? सेकंड नंबर क्या है हमारा? लुक, यस, सेकंड नंबर है हमारे पास में 1. तो 9 से हमें ओनली 1 स्टेप आगे चलना है. यस, यस. तो हम किस पर पहुंचे? 10 पर. तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? हमारा आंसर होगा 10. That means 9 plus 1 is equal to 10. It's very simple, na? Number line पे add करना बहुत simple है, बहुत easy है. इसके अलावा we use our fingers to add them. किसी भी number को add करने के लिए, 1 से लेकर 10 तक जो number होते हैं, उनको add करने के लिए हम अपनी fingers का भी use कर सकते हैं. इसके अलावा एक अदर वे होता है, जो होता है lines draw करके. हम paper पे lines draw करके भी उनको add कर सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, नाउ गो अहेड आवर नेक्स्ट पेज. यस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. वी कैन सी हियर अ बर्थडे पार्टी. हम एक बर्थडे पार्टी देख पा रहे हैं यहाँ पे. इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें टोटल चिल्ड्रन को काउंट करना है. ओके, देयर आर 7 बॉयज इन द पार्टी. इस पार्टी में कितने बॉयज है? 7. इस काउंट देम. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, and there are 3 girls in the party. Aur party mein kitni girls hai? Yes, first is birthday girl, second and third. Okay, so total 3 girls hai. Ab hame batana hai, how many children in this party? Is party mein total kitne bacche hai? In dono ko combined mein count karna hai, ek saath mila ke. Abhi humne इनको सेपरेटली काउंट किया कि बॉयज को सेपरेटली काउंट किया, टोटल बॉयज 7 है. गर्ल्स को सेपरेटली हमने काउंट किया, टोटल गर्ल्स 3 है. लेकिन अब हमें क्या करना है? इनको ऐड करने के लिए दोनों को कंबाइंडली ज्वाइन करना है, कंबाइंडली हमें काउंट करना है. क्लियर?
So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. तो टोटल कितने चिल्ड्रन है यहाँ पे? टोटल चिल्ड्रन है यहाँ पे 10. दैट मीन्स 7 + 3 = 10. 7 + 3 = 10. ये जो साइन होता है, ये साइन होता है प्लस का, एड का. ये साइन होता है जहां भी हमें एड करना है, कुछ चीजें प्लस करनी है सॉरी, तो वहां पे हमें ये साइन देना पड़ेगा. ओके, नाउ गो अहेड नेक्स्ट पेज. एडिशन यूजिंग नंबर बॉन्ड. ये हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा है कि नंबर बॉन्ड के थ्रू हम कैसे ऐड कर सकते हैं चीजों को. ओके, सो देयर आर 4 क्यूब्स. यहाँ पे कितनी क्यूब्स दे रखी है हमें? 4 क्यूब्स. देयर आर 2 क्यूब्स मोर, और इसके अलावा 2 क्यूब्स और दे रखे है. हाउ मेनी क्यूब आर देयर इन ऑल? टोटल हमें काउंट करके बतानी है कि टोटल क्यूब्स कितनी है. सो काउंट विथ मी. 1, 2, 3 and 4. 4 क्यूब्स एंड 1, 2 क्यूब्स. अब इनको कंबाइंडली हम काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. टोटल कितनी हुई? ये देखो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 6 क्यूब्स. ओके, अब इनको हम नंबर बॉन्ड में कैसे इनको हम क्लियर करेंगे? सो मैंने आपको बताया था, एज आई टोल्ड यू दैट नंबर बॉन्ड, ये जो स्ट्रक्चर है ये नंबर बॉन्ड का स्ट्रक्चर है. इसमें क्या होते हैं? वी हैव टू पार्ट्स. इसमें 2 पार्ट्स होते हैं और इसमें 1 होल होता है, जिसे टोटल भी कहा जाता है. तो जो दो नंबर, जो 2 नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं ना, उन्हें हम लिखेंगे पार्ट्स में, उन्हें हम पार्ट्स में मेंशन करेंगे. और जो हमारा आंसर आया है, दैट मीन्स जो हमारा टोटल आया है, उसे हम मेंशन करेंगे होल में, दैट मीन्स टोटल के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, ये है स्ट्रक्चर नंबर बॉन्ड का. ओके, इसके अंदर पार्ट्स मेंशन करेंगे जिनको प्लस करना है, और उनका जो टोटल आएगा वो आएगा होल. ओके, जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया था 4 + 2 को. ओके, तो पार्ट्स में क्या आएगा? फर्स्ट पार्ट में 4 एंड सेकंड पार्ट में 2, एंड इनका टोटल हमारे पास आंसर क्या आया था? हमारे पास आंसर आया था 6. सो होल में क्या मेंशन करेंगे हम? होल में हम मेंशन करेंगे 6. Got it? Now second is there are 6 cubes in all. Total kitni cubes hai? 6 cubes hai. 4 + 2 = 6 in an addition sentence. Iska matlab samajh aaya aapko? Addition sentence means 4 + 2 = 6. Ye pura addition sentence hai. Okay? 4 + 2 = 6. Ye addition sentence hai. Equal means equal to. Equal means क्या होता है? इस साइन का मतलब होता है equal to. इसे हम बोलते हैं बराबर. Okay? Plus is called plus. ये साइन जो होता है ये कहलाता है plus. Okay? It means to put together. एक साथ चीजों को रखना. 4 + 2 = 6. 4 + 2 का मतलब क्या हुआ? 4 + 2 का मतलब हुआ 6. Okay? Now second is there are 5 girls in the party. एक पार्टी में 5 girls हैं. 2 more girls join the party. और 2 girls ने और 2 girls ने पार्टी को ज्वाइन कर लिया. अब टोटल गर्ल्स बताने के, अब पार्टी में कितनी गर्ल्स हो गई है? 5 girls पहले से थी, 2 girls और आ गई उस पार्टी में. तो अब टोटल मिला के हमें दोनों को ज्वाइन करके हमें काउंट करना है. ओके, सो वी काउंट देम. 1, 2, 3, 4, 5. We have already 5 girls in this party. And 2 more join. 1, 2. So total inko agar hum count karenge, to kitni girls hogi? Let's start to count. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So total girls kitni hogi party mein? 7 girls. How many girls are there in all? Yes, there are 7 girls in all. तो अब हमें यही नंबर्स को हमें नंबर बॉन्ड में मेंशन करना है. एज वी टोल्ड यू, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ नंबर बॉन्ड एंड वी ऐड देम 5 + 2. सो पार्ट्स में हम क्या मेंशन करेंगे? हमारे पास नंबर है 5. तो फर्स्ट पार्ट में वी कैन मेंशन 5 एंड सेकंड पार्ट में मेंशन करेंगे हम नंबर 2.
और 5 + 2 को जब हमने एक साथ काउंट किया तो हमारा आंसर क्या आया था, टोटल आया था 7 गर्ल्स. तो होल में हम मेंशन करेंगे 7. ये होता है नंबर बॉन्ड में ऐड करने का तरीका, ठीक है. सो 5 + 2 मेक 7, है ना. मतलब 5 + 2 इज इक्वल टू 7. देयर आर 7 गर्ल्स इन ऑल, टोटल गर्ल्स 7 है. 5 + 2 इक्वल्स 7, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. द नंबर वी गेट ऑन एडिंग टू और मोर नंबर इज कॉल्ड द सम और द टोटल. जो नंबर हमें दो या दो से ज्यादा नंबर्स को ऐड करने पर मिलता है, जैसे 5 + 2 को ऐड करने पे हमें क्या मिला, हमें मिला 7, है ना. उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं या तो सम या फिर टोटल. और जो नंबर बॉन्ड का होल होता है उसमें वही टोटल मेंशन होता है जो दोनों नंबर को ऐड करने पे हमारे पास में आया. क्लियर चिल्ड्रन? ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन. सो चिल्ड्रन, टुडे वी हैव लर्न अबाउट एडिशन. आई हैव टॉट यू सम बेसिक्स अबाउट एडिशन. Now we will meet in our next class. In next class, we learn more about addition and different way to add numbers. Okay? Till then, you practice twicely that whatever we have learned today. Okay, children? Take care. Bye-bye.